intra group transactions mein there were two things. One was sale of inventory. इन्वेंट्री में इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से हमें एतराज है. हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को इन्वेंट्री से खत्म करेंगे. अगर पेरेंट ने कमाया था तो रिटेनिंग से खत्म करेंगे, अगर सब्सिडरी ने कमाया तो रिटेनिंग से भी खत्म करेंगे और एनसीआर से भी खत्म. दूसरा यूआरपी होता है इन केस ऑफ सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, कि पेरेंट ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट को कोई मशीन कोई प्लांट बेचा जो कि बायर ने सेल नहीं करना यूज करना है. तो उसमें दो एरियाज हो गए, पहला गेन ऑन डिस्पोजल, दूसरा एक्सेस डेप्रिसिएशन. यूआरपी निकालने का सादा तरीका क्या था? ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू दैट वुड हैव बीन रिपोर्टेड एंड रिपोर्टेड कैरिंग वैल्यू दैट हैज बीन रिपोर्टेड. दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो यूआरपी है. लेकिन इसमें यूआरपी के हमने हिस्से किए थे, जो गेन ऑन डिस्पोजल था उसको अलग से उखाड़ा जाएगा और जो एक्सेस डेप्रेशन उसको अलग से रिवर्स किया जाएगा. नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस के ऊपर. पेरेंट का सब्सिडरी का नहीं हो सकता है, बताते हैं. सब्सिडरी के डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो नेट एसेट्स होते हैं ना वो तो हम लेते ही नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी सब्सिडरी बनने के बाद शेयर इशू कर ही नहीं सकती एग्जाम में. तो सब्सिडरी का ना शेयर कैपिटल ना शेयर प्रीमियम ना रिटेनिंग्स उस दिन वाली हमारे साथ कंसोलिडेट होंगी. वहां पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पेरेंट ओनली का, कि शेयर कैपिटल पेरेंट ओनली, शेयर प्रीमियम पेरेंट ओनली, राइट. इस वजह से हम सब्सिडरी का शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम रखते ही नहीं है, सिर्फ पेरेंट का रखते हैं. इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आता हूं थोड़ी देर में. इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस, सबसे पहला बैलेंस तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी था, वो हमने खत्म करके गुडविल बना दिया. दूसरा बैलेंस आता है रिसीवेबल एंड पेएबल का. दोहरा रहा हूं, अगर सवाल में इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन का जिक्र किया गया है, पेरेंट ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट को कोई गुड्स बेचे हैं, आप अपने तरफ से रिसीवेबल और पेएबल अज्यूम नहीं करेंगे, आप सिर्फ यूआरपी तक रहे बस. लेकिन अगर सवाल कहता है कि सब्सिडरी ने अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो बात क्लियर है कि पेरेंट के पास रिसीवेबल दिख रहा होगा फ्रॉम सब्सिडरी और सब्सिडरी के पास पेएबल दिख रहा होगा टू पेरेंट. इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में ये रिसीवेबल दिखाना ये पेएबल दिखाना टोटली जायज है, लेकिन कंसोलिडेशन में सिंस वी आर एक्टिंग एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, हम रिसीवेबल में से रिसीवेबल निकाल देंगे पेएबल में से. तो बुनियादी एंट्री क्या होनी है? दैट वी हैव टू एलिमिनेट द इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल एंड पेएबल. क्रेडिट कर दिया रिसीवेबल को, डेबिट कर दिया पेएबल को. बट इतना आसान नहीं है. हाँ जी, हम सिर्फ खेत उसकी बात करेंगे जो ड्यू है, राइट. पहली बात, पेरेंट ने सब्सिडरी को 10 लाख रुपए के गुड्स बेचे, जो गुड्स में यूआरपी है मैं उसको तो रिवर्स करूंगा, 10 लाख से मेरा कोई लेना देना नहीं है. बाढ़ में जाए, अगर सवाल कहता है कि साल के आखिर तक सब्सिडरी ने अभी 4 लाख रुपए नहीं पे किए, अब मैं बोलूंगा कि ठीक है,
4 लाख रुपए नहीं दिए, मतलब पेरेंट के पास रिसीवेबल है, सब्सिडी के पास पेएबल है, मैं 4 लाख को रिवर्स कर दूंगा, 10 लाख से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन से मेरा कोई मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब आगे की बात, सब्सिडी कहती है कि मैंने बाकी देने हैं 2.5 लाख रुपए, पेरेंट कहता है कि मुझे सब्सिडी से मिलने हैं 4 लाख रुपए, हम कहते हैं साईं खैरियत क्या हुआ, वो कह रहे 2.5 लाख देने, आप कह रहे 4 लाख लेने, अब मैं क्रॉस कैसे करूं? तो पता ही चलता है कि देयर इज कैश इन ट्रांजिट, देयर इज व्हाट इन ट्रांजिट का मकसद क्या है, जिस तरह बैंक रिकंसिलिएशन में आपने पढ़ा था, सब्सिडी ने साल खत्म होने से 1-2 दिन पहले चेक जमा करवा दिया, जो कि इसने तो चेक जमा करते ही डेबिट कर दिया, पेएबल क्रेडिट कर दिया कैश एंड बैंक 1.5 लाख से, इसके पास से तो गए पैसे, लेकिन साल खत्म होने तक पेरेंट के पास वो बैलेंस आया नहीं था, तो ये डिफरेंस की वजह क्या है? सो द कैश हैज बीन पेड बाय द बायर बट नॉट रिसीव्ड बाय द सेलर। अब हमें इनिशियली इस डिफरेंस को खत्म करना है, राइट डिस्क्रिपेंसी है, हमें क्या करना है, 2 रास्ते, धक्का दे दो या खींच लो। पहला, फॉरवर्ड कर लो ट्रांजैक्शन को, अज्यूम कर लो कि पेरेंट को मिल गए 1.5 लाख रुपए, तो पेरेंट का एंट्री पास करेगा डेबिट कैश इन बैंक 1.5 लाख, क्रेडिट रिसीवेबल 1.5 लाख, आ गया 2.5 लाख उड़ा दो। दूसरा, ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर दो, यूं समझो कि सब्सिडी ने पैसे दिए ही नहीं, तो सब्सिडी क्या करेगा, डेबिट करेगा कैश इन बैंक, क्रेडिट करेगा पेएबल, आ गया पेएबल 4 लाख पे, 4 लाख 4 लाख कैंसिल कर दो। इसका करना क्या है, बिल आखिर नेट इंपैक्ट तो कोई नहीं आएगा, फॉरवर्ड करो या रिवर्स करूं, वैसे भी मैंने खत्म करना है भाई, पढ़ा ना, नेवर आर्ग्यू विद अ फूल, नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट, वो पहले आपको अपने लेवल पे लाएगा फिर आपको मार देगा, क्योंकि उसके लेवल पे आके आप तो उसे जीत नहीं सकते लॉजिकली, लेकिन वो आर्ग्यू ऐसे करेगा कि आप उसके लेवल पे आके बात करोगे और उस पर तो वही जीतेगा, हमें ट्रांजेक्शन को लेवल पे लाना है फिर वैसे भी मार देना है। अब कुछ किताबें ये लिखती हैं कि एडजस्ट ऑलवेज इन अकाउंट्स ऑफ पेरेंट रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, एक किसी किताब ने लिख दिया कि ट्रांजेक्शन को हमेशा पेरेंट के अकाउंट्स में ही एडजस्ट किया जाएगा, चाहे फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो। मिसाल के तौर पे सब्सिडी ने पैसे भेजे, पेरेंट को नहीं मिले, हम क्या अज्यूम करेंगे, पेरेंट को मिल गए। अगर पेरेंट ने भेजे थे और सब्सिडी को नहीं मिले थे तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि पेरेंट ने भेजे ही नहीं, कुछ भी कर लो, राइट बात तो ये किया। कुछ किताबें ये लिखती हैं कि ट्रांजैक्शन को हमेशा फॉरवर्ड करो, ट्रांजैक्शन को हमेशा फॉरवर्ड कर दो। सब्सिडी ने दिए थे पेरेंट को नहीं मिले, दिलवा दो, पेरेंट ने दिए थे सब्सिडी को नहीं मिले, दिलवा दो, कुछ भी कर लो। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, अभी हम क्या रखेंगे अपनी प्रैक्टिस, हमेशा जब ट्रांजैक्शन को फॉरवर्ड किया जाएगा, भाई देखो आपका कैश बैंक को, मेरा कैश और बैंक को फर्क तो कोई नहीं पड़ता, आपकी रिसीवेबल पेएबल वैसे भी एक ही बात है, तो हम बराबर करके किल कर देंगे। व्हाट आर वी सपोज टू अज्यूम, हम हमेशा ट्रांजैक्शन को फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर सवाल लिखता है कि 30 जून 2022 की क्लोजिंग पे पेरेंट को ये पैसे नहीं मिले थे लेकिन 2 जुलाई तक पैसे आ गए थे, तो ये सीधी सीधी बात है कि चेक बाउंस नहीं हुआ, 2 दिन बाद आ गया ना, तो आप 30 जून पे आगे फॉरवर्ड करवा दो, ओके हो गया। दूसरा, इसमें डिफरेंस आ सकता है
गुड्स इन ट्रांजिट की वजह से। गुड्स इन ट्रांजिट में सेलर ने कुछ मजीद गुड्स इमीडिएटली बिफोर द ईयर एंड बेचे, लेकिन सब्सिडरी को मिले नहीं, समझो। पेरेंट ने $800,000 पे गुड्स बेचे और निकाले यहां से 29 जून पे। इसने जैसे यहां से गुड्स डिस्पैच किए, डेबिट कर दिया रिसीवेबल, क्रेडिट कर दिया सेल्स रेवेन्यू 800,000 से। सब्सिडरी को क्योंकि गुड्स मिले ही नहीं, तो उसने ना डेबिट परचेजेस की ना क्रेडिट पेएबल किया। तो जब दोनों के रिसीवेबल और पेएबल में फर्क दिख रहा है 800,000 रुपए का रिसीवेबल, और खरीदने वाले ने अभी पेएबल नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि उसको मिले ही नहीं गुड्स, रास्ते में है, क्या करेंगे? अब हम सब्सिडरी के पास डेबिट करेंगे परचेजेस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परचेजेस एंड इन्वेंट्री? गुड्स खरीदने पर इन्वेंट्री को डेबिट किया जाता है या परचेजेस को? तो इन्वेंट्री क्या होती है? जो साल के आखिर में बिक ना सके, क्लोजिंग राइट एसेट है। वैसे अगर हम परपेचुअल सिस्टम फॉलो करें कंटिन्यूअस, तो हर बार इन्वेंट्री के खरीदने पे इन्वेंट्री को डेबिट और हर बार इन्वेंट्री के बिकने पे इन्वेंट्री को क्रेडिट करना होता है। लेकिन अगर हम पीरियोडिक सिस्टम चलाएं, ईयर एंड सिस्टम चलाएं, तो हम इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन नहीं करते। जो इन्वेंट्री आपको मिली ही नहीं वो आपने बेची कैसे होगी, पते की बात है। तो यानी 800,000 आप कहां पर दिखाओगे? अपनी इन्वेंट्री में दिखाओगे। सवाल, इन्वेंट्री किसके पास है? रास्ते में। तो जब मेरा स्टॉक काउंट किया गया होगा उसमें भी इन्वेंट्री नहीं आई होगी, और जब आपका स्टॉक टेक किया गया होगा तो भी इन्वेंट्री नहीं आई होगी, लेकिन इन्वेंट्री अभी ग्रुप से बाहर तो नहीं गई। जब मैंने फॉरवर्ड कर दिया तो इन्वेंट्री कौन दिखा देगा? आप, आपकी इन्वेंट्री मेरी इन्वेंट्री क्या फर्क पड़ता है, राइट? लेकिन इन्वेंट्री को आप 800,000 पे दिखा रहे हो, 800,000 में तो URP है। ये प्रॉफिट रियलाइज हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब आपको इन्वेंट्री मिली नहीं तो बेचोगे कैसे? मिसाल के तौर पे 6,00,000 की खरीदी हुई इन्वेंट्री मैंने 800,000 में इनवॉइस कर दी, तो इन्वेंट्री किस वैल्यू पे दिखनी चाहिए? 6,00,000 पे। और दिखेगी किस पे? अब पहला ऑप्शन, ट्रांजेक्शन को फॉरवर्ड कर दो, डेबिट आप करो पर इन्वेंट्री, क्योंकि अनसोल्ड है ना, डेबिट आप करो इन्वेंट्री 800,000 से, क्रेडिट आप कर दो पेएबल 800,000 से। पहली बात, पेएबल रिसीवेबल बैलेंस हो गया, हां इनको तो खत्म करो। अब दूसरी बात, इन्वेंट्री कितने पे डेबिट की? 800,000 पे, जबकि उसमें 2,00,000 का तो URP है जो कि पेरेंट ने कमाया है। तो हम रिटेन अर्निंग्स को 2,00,000 से डेबिट करके इन्वेंट्री को 2,00,000 से क्रेडिट कर देंगे। ट्रांजेक्शन को कंपाउंड करता हूं, ट्रांजेक्शन को कंपाउंड करता हूं। हम क्या करेंगे जब ट्रांजेक्शन को फॉरवर्ड करेंगे? तो डेबिट करेंगे इन्वेंट्री किस वैल्यू पे? नहीं, कंपाउंड कर रहा हूं। अब किस पे करेंगे? देखो, पहले मैंने क्या किया, इन्वेंट्री को 800,000 से डेबिट करके बाद में इन्वेंट्री को 2,00,000 से क्रेडिट कर दिया। वापस सुनो मेरी ट्रांजेक्शन, जब मैंने फॉरवर्ड करवाया ट्रांजेक्शन को तो डेबिट आपने इन्वेंट्री किया, क्रेडिट पेएबल किया 800,000 से। दूसरे चैप्टर में मैंने डेबिट करवाया रिटर्निंग्स को और क्रेडिट करवाया इन्वेंट्री को 2,00,000 से। तो इन्वेंट्री पहले 800,000 से डेबिट हुई, बाद में 2,00,000 से क्रेडिट हुई। मैंने डेबिट ही किस पे करना है? 6,00,000 पे, राइट? और डेबिट करना है रिटेन अर्निंग्स बाय, भाई अगर पेरेंट ने बेचा तो पूरे के पूरे 2,00,000 कहां से जाएंगे? रिटेन अर्निंग से। अगर सब्सिडी ने बेचा होता तो 75% रिटेनिंग से निकलता, 25% वहां से निकलता। तो जो भी है वो हिसाब आप देख लेना, और क्रेडिट कर देंगे पेएबल्स को
8 लाख से हर सूरत करने को हम इस प्रिंसिपल पे भी चल सकते हैं कि ट्रांजेक्शन विल ऑलवेज बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ पेरेंट रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन। मैं कहता हूं किताब ने लिखा हुआ है लेकिन ये स्टैंडर्ड का बताया हुआ नहीं है कि एक गलत एक सही हो जाएगा। मुझे वैसे भी लेवल पे लाना है और मारना है, वील हैव टू किल इट। पहले फॉरवर्ड करो या रिवर्स करो, दोनों तरीके से हो सकता था। इस केस में हमने क्या कॉन्सेप्ट बना दिया, हम फॉरवर्ड करेंगे। इजी, ओके। अब वंस यू आर डन विथ रिकंसाइलिंग द बैलेंसेस, फॉरवर्ड हो गया, रिसीवेबल पेएबल अपनी जगह पे आ गया, दोनों बराबर हो गए। अब ये वाली एंट्री करनी है, पेएबल को खत्म करना, रिसीवेबल को खत्म करना, लेकिन पहले मैच करना है। जब तक मैच नहीं होगा तब तक हम एलिमिनेट क्यों नहीं कर सकते। इजी, ओके। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टी है पहला कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में एसोसिएट को फाइनेंशियल एसेट ही दिखाना है। कंसोलिडेशन में इस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे अप्लाई होता है IAS 28, जिससे अगर मैंने पूछा कि यार इसको कैसे अकाउंट फोल्ड करना है, तो हमने एसोसिएट को अकाउंट फोल्ड करना है एस, इसको नाम हम देते हैं इक्विटी अकाउंटिंग। व्हाट डज इक्विटी अकाउंटिंग मीन, इस चीज को हम समझते हैं। आपने किसी कंपनी के इतने शेयर्स खरीदे हैं और आपके पास किसी का इतना वोटिंग पावर आ गया है कि यू कैन इन्फ्लुएंस, ठीक है, यू कैन अफेक्ट, यू डोंट हैव द पावर टू डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, अगर ऐसा होता तो आपकी सब्सिडरी होती, आप पेरेंट कहलाते। मे बी मैं तहरीक अदम एतमाद ला सकता हूं, लोगों को घेर के, है ना, लोगों को घेर के अगर मैं 2-4 शेयर होल्डर्स को मिला दूं, कुछ लाइक माइंडेड वोट्स ले लूं, तो थोड़ा दबाव पड़ सकता है। ऐसा नहीं हो सकेगा अगर सामने वाले के पास बड़ी मेजॉरिटी होगी। अगर रिमेनिंग 70% शेयर्स किसी एक ही के हाथ में है और मेरे पास 30% है, तो मैं किसको मिलाऊंगा? 70% तो एक ही बंदे के हाथ में, एक ही कंपनी के हाथ में, वो तो सब एक ही जुबान बोलेंगे, सही है। जो मुनहरफ अरकान है उनको तोड़ के लेके आओ तो अलग बात है, उनके कुछ मिनिस्टर्स तोड़ के लेके आ जाओ, कुछ हिसाब किताब कर दो तो अलग बात बन सकती है। लेकिन अगर वो एक ही, मतलब फाइनेंशियली एक ही पार्टी के अंडर में है, एक ही शेयर होल्डर के हाथ में, तो उसको मैं हिस्से तो नहीं बना सकता। इन्फ्लुएंस, ऐसे केस में आप उसको लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट नहीं करेंगे जिस तरह हम सब्सिडरी को करते हैं। एसोसिएट को हम सिंगल लाइन कंसोलिडेशन करेंगे। वन लाइन कंसोलिडेशन कैसे किया जाएगा? सबसे हमने पहले रखा इन्वेस्टमेंट, यानी जो आपने कंसिडरेशन दी है। ठीक वही मोड्स एंड ठीक वही टाइप्स जो पेरेंट सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को दे सकता है, कैश, शेयर एक्सचेंज, डेफर्ड, कंटिंजेंट, डेट कंसिडरेशन, रिपीट हो सकते हैं। रिकॉर्ड उसी तरीके से किए जाएंगे जिस तरह वहां होते हैं। तो डेबिट हम करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट, क्रेडिट करेंगे कैश इन बैंक, क्रेडिट करेंगे कंटिंजेंट कंसिडरेशन, क्रेडिट करेंगे डेफर्ड कंसिडरेशन एट प्रेजेंट वैल्यू, क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, क्रेडिट करेंगे बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट। उसके बाद सब्सिडरी, सॉरी एसोसिएट,
पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, हमारी एसोसिएट बनने के बाद जितना भी प्रॉफिट करेगी, हम उसका शेयर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसमें ऐड करेंगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एसोसिएट का। आपने एक कंपनी खरीदी, अब एक कंपनी के 30% शेयर्स खरीदे, उस कंपनी ने पूरे साल में 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शो किया है और आपको खरीदे हुए 6 महीने हुए हैं, 1.5 करोड़ का 6 महीने का कर दिया आधा, 75 लाख, 75 लाख में आपका कितना 30% मिला नहीं है, सिर्फ उसने कमाया है। तो पोस्ट एक्विजिशन, हमारी एसोसिएट बनने के बाद उसने 75 लाख रुपए कमाए, उसका हमारा हिस्सा शेयर, वो क्रेडिट एंट्री या डेबिट एंट्री समझते चलो। ये डेबिट हुआ इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के अंदर, क्रेडिट कहां हुआ होगा डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन, कैश इन बैंक में हुआ होगा, लायबिलिटी में हुआ होगा, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में हुआ होगा। 75 लाख का 30%, कल मैं 22.5 लाख जो भी बन रहे, वो डेबिट करूंगा मैं इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट के अंदर और क्रेडिट कर देंगे हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस के। राइट हो गया, चीज को आसान करते हैं। अगर एसोसिएट ने पूरे साल में 1.60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है जबकि आपको खरीदे हुए हुए 6 महीने, तो 1.60 करोड़ का आधा हुआ 80 का 30% आपका 24 लाख, 24 लाख मैंने डेबिट कर दिए इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट के अंदर, क्रेडिट कर दिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर। होता यह है कि एसोसिएट 60 लाख रुपए के डिविडेंड देती है, एसोसिएट 60 लाख रुपए के डिविडेंड देती है, क्या डिविडेंड को भी आधा पौना किया जाता है? नहीं, जब मिलता है तभी का होता है। तो अगर मेरे शेयर्स खरीदने के एक दिन बाद भी डिविडेंड आ गया तो मुझे तो पूरा मिलेगा ना, एक दिन का डिविडेंड तो नहीं मिलेगा। अगर 6 महीने बाद एसोसिएट ने पूरे साल का डिविडेंड अनाउंस किया, मुझे तो पूरा मिलेगा ना। क्लियर? वैसे अगर डिविडेंड मिले तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? भूल जाओगे एसोसिएट ने दिया है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उसने मिसाल 50 लाख रुपए के डिविडेंड्स दे दिए, आपके पास उसका 10% है, 50 लाख में से आपको कितना मिलेगा? 10%, 5 लाख। डबल एंट्री क्या करोगे? डेबिट करेंगे कैश और बैंक, क्रेडिट करेंगे डिविडेंड इनकम। राइट, डिविडेंड इनकम। एसोसिएट ने मान लेते हैं कि 50 लाख के डिविडेंड बांट दिए और मेरे पास उसके 30% शेयर्स हैं, मुझे कितना मिलेगा? 15 लाख। सोचो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में मैंने क्या एंट्री पास की हुई होगी, यही जो आपने मुझे बोली, डेबिट कैश इन बैंक, क्रेडिट डिविडेंड इनकम। सही, कंसोलिडेशन में कोई मुझे बोलेगा यार दोनों हाथों से नहीं लूट रहे हो, क्यों? बोला डिविडेंड कोई अलग से मिलेंगे क्या? जो 80 लाख का प्रॉफिट था उसी में से तो डिविडेंड दिया है। मैं तो हाँ, तो बोला 80 लाख को के 30% को भी इनकम माना और 50 लाख के 30% को भी इनकम मान रहे हो तो डबल मजा है। तो बात तो सही है। ये तो ऐसा हो गया कि जब कस्टमर मुझसे चीज लेके गया, जब कस्टमर ने मुझसे सर्विसेज ली, मिसाल एक कस्टमर मुझसे 4 लाख रुपए की सर्विसेज लेता है उधार पे, तो मैं डेबिट करता हूं रिसीवेबल, क्रेडिट करता हूं सेल्स। इनकम तो आपने तभी मान लिया
जब आपने सर्विसेज रेंडर की, बाद में जब आपको 4 लाख रुपए दे तो आप डेबिट करो कैश, क्रेडिट करो प्रॉफिट लॉस, तो आप बोलोगे डबल डबल इनकम। जब सर्विसेज दी तब भी इनकम माना, जब पैसे दिए फिर भी इनकम मान रहे हो। यस, मैं कहता हूं ये बात तो सही कह रहे हो। जब 80 लाख का 30% था, 24 लाख उसको तो मैंने इनकम मान लिया। जब उसी 80 लाख में से 50 लाख के डिविडेंड मिल रहे हैं, मेरा हिस्सा 15 लाख, उसको दोबारा इनकम तो नहीं मान सकता ना, क्योंकि वो तो अब पे आउट है। लेकिन इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में तो वो इनकम मान चुका होगा, और इंडिविजुअल में गलत थोड़ी कर रहा है, इंडिविजुअल में इक्विटी अकाउंटिंग थोड़ी होती है। तो हमें यहां पे क्या करना है, जब एसोसिएट ने डिविडेंड दिए वो हमें यहां से राइट अब ओरिजिनल एंट्री तो ठीक था, कैश और बैंक आपको मिला, आपने डेबिट किया, लेकिन क्रेडिट आपने प्रॉफिट लॉस किया था ना, मुझे उससे एतराज है, क्योंकि 15 लाख को भी इनकम बनाया, 24 लाख को भी इनकम बनाया। हम 15 लाख को इनकम नहीं मान सकते क्योंकि डबलिंग हो जाएगी, राइट। 24 लाख से जो नेट ऑफ हो गया वो तो ये बन गया, सोचो खुद ही, यहां पे कितना था 24 लाख और 15 लाख आपने माइनस कर दिए, 9 लाख, 9 लाख डेबिट तो यहां हुए, जिसमें से 24 लाख प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट हो गए, बात ठीक है, लेकिन डिविडेंड जो आपको मिले हैं वो प्रॉफिट लॉस से उसूलन तो होना ये चाहिए था। सोचो मेरी बात, अगर वो कहता है कि कंपनी ने डिविडेंड्स की कोई एंट्री ही नहीं पास की, कंपनी ने डिविडेंड्स की कोई एंट्री ही नहीं पास की, मैं कहता हूं ये अच्छा काम किया, मैं डेबिट करूंगा कैश इन बैंक, क्रेडिट करूंगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, प्रॉफिट लॉस की तरफ जाएंगे क्यों भाई, राइट नहीं बात समझ में। सोचो एसोसिएट ने आपको 15 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है, लेकिन अकाउंटेंट सन्नाटे में आ गया, इसका क्या करना है, उसने एंट्री नहीं पास की, तो मैं कहता रखा किसने, डेबिट कर दिया कैश और बैंक 15 लाख, क्रेडिट कर दिया मैंने इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट, प्रॉफिट लॉस तक एक चीज गई नहीं तो मैं निकालूं क्या। लेकिन 90% केसेस में या 95% केसेस में वो एंट्री करके बताएगा कि जो होती है दुनियादारी, हमने वो किया, बोला क्या किया, डेबिट किया कैश, क्रेडिट किया प्रॉफिट लॉस। एसोसिएट की अकाउंटिंग तो मुझे करनी नहीं ना, उसकी जाती स्टेटमेंट्स मैं थोड़ी बना रहा हूं, जी 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 जी, मैं तो पेरेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, पेरेंट ने एसोसिएट के शेयर्स खरीदे, इसे एसोसिएट का क्या, कुछ भी नहीं, वो तो मैंने उसके शेयर होल्डर से खरीदा है, तो एसोसिएट इन्वेस्टमेंट इन पेरेंट थोड़ी दिखाएगा, लेकिन पेरेंट दिखाएगा ना इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। पेरेंट ने 15 लाख रुपए के डिविडेंड्स को प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट किया हुआ है, और हमने 24 लाख और क्रेडिट कर दिए, ये तो 39 लाख चले गए प्रॉफिट लॉस में, जिसमें से 24 का जाना जायज था, 15 का नहीं जाना था। मैं इसको रिवर्स करूंगा फ्रॉम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस, ध्यान दो, 24 लाख मैंने हाथ से भेजे हैं और 15 लाख मैंने प्रॉफिट लॉस से वापस ले लिए, प्रॉफिट लॉस में नेट इंपैक्ट 9 लाख का नहीं है, प्रॉफिट लॉस में नेट इंपैक्ट 24 लाख का है, ये वाला तो मैंने वापस खींचा है भाई, याद करो 24 मैंने भेजे थे, 15 आपने भेजे थे, 39 था ना, मैंने 15 वापस ले लिए, 24 पे आ गया, 9 नहीं गए प्रॉफिट लॉस के अंदर, प्रॉफिट लॉस के अंदर 24 लाख ही गए हैं। अगर आप प्रॉफिट लॉस में भेज के ना देते थे तो मैं प्रॉफिट लॉस खींचता भी नहीं वापस, मैं तो कैश में डेबिट करता, मैं पेनल में डेबिट हुई करता, लॉजिकली चल रहे हैं, इसलिए मैं घुमा रहा हूं। अगर कैलकुलेशन देखनी है तो ये डन है, एग्जाम के लिए बहुत है, लेकिन इसके पीछे साइकिल को समझो, प्रॉफिट लॉस में
नेट इंपैक्ट समझ लो, नेट इंपैक्ट समझ लो, डेबिट कैश और बैंक कितने मिले, मिले कितने पैसे, पंद्रह लाख मिले ना। डेबिट इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, नहीं देखो डेबिट कितने से हुआ था, 24 से, क्रेडिट कितने से हुआ, 15 से, नेट इंपैक्ट कितना आया, और क्रेडिट करेंगे कंसोलिडेटेड दिस इज द नेट इंपैक्ट। एक सेकंड, हाँ सही है, बस एसोसिएट अगर मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो मैं पेरेंट क्या, किस किस बात का हुआ हाँ जुलेखा मर्द था या औरत था, लेकिन एसोसिएट मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो मैं तो कुछ भी नहीं दिखाऊंगा ना भाई, जितने भी लोगों ने मेरे शेयर्स खरीदे हुए हैं मैं कोई उनके अकाउंट्स मेंटेन करूंगा क्या बैठ गया, मैंने तो पार वैल्यू और इश्यू वैल्यू पे प्रीमियम एंड कैपिटल रिकॉर्ड किया, जाओ बढ़ रहे, लेकिन मैंने अगर किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं मैं पेरेंट हूं। पेरेंट वो होता है जो इन्वेस्टर है, मैं 12 वर्ड यूज कर रहा हूं, ये इन्वेस्टी है जी, हम इन्वेस्टर हैं पेरेंट। पंद्रह लाख का जी, वो नेट आपके एसेट्स में प्लस हो जाएंगे। यूं बात समझ लो, आपने 24 लाख रुपए की सेल्स की, उसमें से कस्टमर ने आपको 15 लाख रुपए दे दिए, तो बाकी रिसीवेबल कितना बनेगा, 9 लाख उसने मजीद मैंने मुझे देने हैं, ये 9 लाख का इंपैक्ट है जो कि मेरे एसेट में प्लस हो, 15 मिल गए, 24 प्रॉफिट लॉस में गए। मैंने एक एसोसिएट के शेयर्स खरीदे हैं से फॉर इंस्टेंस 85 लाख रुपए के, ये मैंने दिखा दिया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 85 लाख रुपए, जब से मैंने खरीदा ठीक है 6 महीने के बाद साल खत्म हो गया, लेकिन एसोसिएट ने तो पूरे साल की प्रॉफिट लॉस बनानी ना, 6 महीने की तो नहीं बनानी, उसने जब पूरे साल की प्रॉफिट लॉस बनाई, मैंने भी डाउनलोड की उसकी स्टेटमेंट्स, पता चला कि उसने पूरे साल में 1,60,00,000 रुपए का प्रॉफिट किया है, लेकिन ये प्रॉफिट पूरे पूरे साल का है, मैंने इसको आधा आधा कर दिया इवनली अक्रू करके, पता चला कि इसमें से 1,60,00,000 में से 80 मेरे आने के पहले हैं, 80 मेरे आने के बाद हैं, लेकिन 80 पूरे के पूरे मेरे तो नहीं है, मेरा हिस्सा सब्सिडरी एसोसिएट में कितना है 30%, तो मैंने क्या किया 80 लाख का 30% जो कि बना 24 लाख, उसको मैंने डेबिट किया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अंदर और क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट लॉस के अंदर। बाद में यह हुआ कि उस ही कंपनी ने 50 लाख रुपए के डिविडेंड बांट दिए सब में, उसमें से मेरा हिस्सा कितना 15 लाख। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे डेबिट करना चाहिए था कैश और बैंक और क्रेडिट करना चाहिए था इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट, क्योंकि मैं उसको दोबारा प्रॉफिट लॉस में भेजूंगा तो अक्रूअल बेसिस पे भी इनकम मान रहा हूं, कैश बेसिस पे भी इनकम मान रहा हूं, चीज बिकने पे भी इनकम मान रहा हूं, पैसे मिलने पे भी इनकम मान रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, किसी एक बार मानोगे ना। इक्विटी अकाउंटिंग में हम इनकम कब मानते हैं, जब उसने प्रॉफिट कमाया है, दिया है तब नहीं। उसूलन इसकी डबल एंट्री क्या थी, डेबिट कैश और बैंक, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट, लेकिन हम डे बुक से जनरल लेजर से ट्रायल बैलेंस से तो नहीं उठा रहे ना चीज, हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा रहे हैं, तो मैंने इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स उठाई पेरेंट की, उसमें डिविडेंड मिल चुका था। मैं आपसे पूछ रहा हूं इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में डिविडेंड मिलने की एंट्री क्या होती है, डेबिट कैश एंड बैंक
क्रेडिट डिविडेंड इनकम प्रॉफिट लॉस, आपने ऐसा ही किया था और बिल्कुल दुरुस्त किया था। मैं आपकी गलती दुरुस्त नहीं कर रहा हूं, आपने सही किया था। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि जब आप अक्रूअल बेसिस पे इनकम मान रहे हो तो कैश बेसिस पे इनकम नहीं माननी चाहिए। याद करवाता चलूं कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में 24 लाख की इनकम नहीं रिकॉर्ड की जाएगी, हाँ सिर्फ 15 लाख की रिकॉर्ड की जाएगी। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में इक्विटी अकाउंटिंग फॉलो नहीं की जा रही। जब वो डिविडेंड देगा तो मैं इनकम मानूंगा, कमाएगा तो मैं इनकम नहीं मानूंगा। तो 24 लाख को इनकम में कब मान रहा हूं? कंसोलिडेशन में, जब वो कमा रहा है। अब हुआ क्या, टकरा गया। मैंने कंसोलिडेशन में 24 लाख को इनकम माना, वो 15 लाख को पहले ही इनकम मान चुका है इंडिविजुअल के अंदर। तो 24 प्लस 15 39 लाख 39 लाख, मैं कहता हूं ये तो डबल डबल हो रहा है। चलो यूं सोच लो थोड़ी देर के लिए कि सब एसोसिएट सारे के सारे प्रॉफिट्स को डिविडेंड में बांट दे। जितना प्रॉफिट कमाया 80 लाख का, 80 का 80 डिविडेंड दे दिया। तो जब 80 उसने कमाया तब भी आपने 24 लाख की इनकम दिखाई, जब उसने 80 बांटा जब भी आपने 24 लाख की इनकम दिखाई, आपको तो दोनों हाथों से मेले लूट रहे हो। उसी के पैसे हैं ना, उसी 80 लाख का हिस्सा है ना 50 लाख, कहीं और से तो लाके नहीं दे रहा हूं कि ये भी रखो। तो बात एक बार इनकम मानो ना। तो अगर एसोसिएट ने 50 लाख रुपए के डिविडेंड बांटे जो उस 80 लाख का ही हिस्सा है, भाई निकलेंगे कहां से? उसके रिटर्निंग्स में से निकलेंगे ना। उसके रिटर्निंग्स में नेट इजाफा 30 लाख का होगा, 80 माइनस 50, 50 का डिविडेंड बांटा, आपका हिस्सा कितना? 30%, 15 लाख। जिसको आप इनकम मान चुके हैं, अब टकरा रहा है। इंडिविजुअल में ठीक था ना, अब टकरा रहा है कि अब आप अक्रूअल बेसिस पे भी इनकम मान रहे हो, पहले आप कैश बेसिस पे इनकम मान रहे थे। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, कैश कॉन्सेप्ट को हटा दूंगा, बेटा तुम साइड हो जाओ, अब हम अक्रूअल के बेसिस पे कर रहे हैं। तो उस 15 लाख को जो आप इनकम मान चुके हैं, मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं। तो प्रॉफिट लॉस को इंपैक्ट कितना गया? 39 माइनस 15 24, ये तो गया। पैसे कितने मिले? 15 लाख। तो बाकी आपके रिसीवेबल में, इसको सोच लो थोड़ी देर के लिए, रिसीवेबल है आपका हिस्सा बना 24 लाख। सोच लो आप पार्टनर हो, जिस फर्म के आप पार्टनर हो उसने प्रॉफिट कमाया जिसका आपका हिस्सा बना 24 लाख, जिसमें से आपने 15 लाख विड्रॉ कर लिए, तो बाकी आपके करंट अकाउंट में कितने बचेंगे? 9 लाख। ये सोचो कि आप पार्टनर हो और ये करंट अकाउंट है आपका, तो वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी कैपिटल अकाउंट के अंदर और ये आपका करंट अकाउंट है। ये बड़ा कॉमन मुगालता है कि डिविडेंड इनकम को इनकम क्यों नहीं माना जाता, उल्टा माइनस क्यों किया जाता है। मैं उस पर रुक रहा हूं बार बार कि मैं उठा रहा नहीं हूं कि इसको इनकम ना मानो, लेकिन क्या है कि हम अक्रूअल बेसिस पे मान रहे हैं तो कैश बेसिस पे नहीं। और क्योंकि आप पहले मान चुके हो इनकम, इसीलिए मैं प्रॉफिट लॉस को जहमत दे रहा हूं। अगर आप मुझे कहते कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या एंट्री पास करनी है, तो मैं प्रॉफिट लॉस को फोन भी नहीं करूंगा, उसका काम ही ना आ जाए। मैं डेबिट कैश करता, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एसोसिएट करता। प्रॉफिट लॉस को जहमत सिर्फ इस वजह से दे रहा हूं कि उसको दे दिए तो उसे वापस ले रहा हूं। ओके, इफ देर आर एनी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस विद एन एसोसिएट, इफ देर आर एनी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस विद एसोसिएट, पेरेंट ने गुड्स बेचे एसोसिएट को, एसोसिएट ने पैसे नहीं दिए अभी तक, क्या करेंगे? पेरेंट कह रहा रिसीवेबल है, एसोसिएट कह रहा पेएबल है, इग्नोर कर देंगे भले हो। क्योंकि क्या एसोसिएट के पेएबल आपके पेएबल है? नहीं, उसने पैसे देने, हाँ मैंने लेने। इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस को एसोसिएट के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। अगर मैं कहता हूं रिसीवेबल है, अगर एसोसिएट कहता है पेएबल है, तो हां है, हम उसको एलिमिनेट। लेकिन अगर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन होती है,
ठीक है, ये अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। पेरेंट ने गुड्स बेचे एसोसिएट को, अगर एसोसिएट वो तमाम गुड्स आगे पढ़ चुका है तो इग्नोर, क्योंकि इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर एसोसिएट के पास कुछ स्टॉक अनसोल्ड है तो देयर वुड बी एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिससे उसकी इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो रही है, लेकिन उसकी इन्वेंट्री को मैं कम भी तो नहीं कर सकता, हाँ मार भी तो नहीं सकता, क्या करूं, प्यार जो करता है कुछ भी नहीं कर सकता। वो एसोसिएट है, उसकी इन्वेंट्री मेरी ऐसे इन्वेंट्री थोड़ी है, रहने दूंगा। हम अव्वल तो पूरा का पूरा यूआरपी उखाड़ेंगे भी नहीं, हमने कैलकुलेट करना है यूआरपी और मल्टीप्लाई करना है उसको पेरेंट परसेंटेज से। अगर यूआरपी है $40,000 का और आई ऑन 30%, तो 40,000 का 30% 12,000, मेरे लिए यही यूआरपी है, यही यूआरपी है, जिसको हम डेबिट कर देंगे अपनी रिटेन अर्निंग से और क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट्स से, क्योंकि मैं उसकी इन्वेंट्री को कंट्रोल क्या करेंगे, डेबिट रिटेन अर्निंग्स, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अच्छा मजे की बात, अगर पेरेंट ने सब एसोसिएट को बेचा तो इन्वेंट्री किसकी बढ़ी हुई है, एसोसिएट की, जिसकी इन्वेंट्री को मैं छेड़ भी नहीं सकता, तो मैं डेबिट करूंगा इन्वेस्टमेंट इन लाइक रिटेनिंग्स एंड क्रेडिट कर दूंगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। और अगर एसोसिएट ने बेचा पेरेंट को तो भी सेम एंट्री होगी, तो भी सेम एंट्री होगी। दिस लास्टली, वैसे ये कहा जाता है कि क्योंकि इन्वेंट्री पेरेंट की बड़ी हुई है और पेरेंट की इन्वेंट्री को माइंड नहीं करते हैं, IAS 28 के मुताबिक बेचने वाला कोई भी हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, पेरेंट सब्सिडरी को दे या सब्सिडरी एसोसिएट को दे, एसोसिएट पेरेंट को दे, ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री सेम होगी, डेबिट करेंगे रिटेन अर्निंग्स बाय द शेयर ऑफ यूआरपी एंड क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट बाय द शेयर ऑफ यूआरपी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रियलाइज हो गया भाई, देखो इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे सिर्फ अनरियलाइज है कि बेचा कहे नहीं, अगर बेच चुका होता आगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लास्टली, वील हैव टू टेस्ट एसोसिएट फॉर इंपेयरमेंट, वील हैव टू टेस्ट एसोसिएट फॉर इंपेयरमेंट, और अगर एसोसिएट में इंपेयरमेंट है तो वो भी हम यहां से माइनस करते हैं। एंड दिस वुड बी द कैरिंग अमाउंट, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट ऑन 1st April 2021 पिरामिड अक्वायर्ड 80% ऑफ स्क्वायर्स इक्विटी शेयर्स बाय मींस ऑफ एन इमीडिएट शेयर एक्सचेंज एंड अ कैश पेमेंट ऑफ 88 सेंट्स पर अक्वायर्ड शेयर। दो तरह की कंसिडरेशन दी हैं, उसके शेयर्स कितने खरीदे हैं 80%, एक हमने दिया है फॉर शेयर एक्सचेंज और दूसरा दिया है 88 सेंट्स पर शेयर एक्वायर्ड। बुनियादी तौर पे आपने देखना है कि क्या इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में पेरेंट इस कंसिडरेशन को रिकॉर्ड कर चुका है कि नहीं, अगर रिकॉर्ड कर चुका है
तो शेयर एक्सचेंज में डेबिट किया होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को, क्रेडिट किया होगा शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम को, और कैश कंसिडरेशन में डेबिट किया होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को, क्रेडिट किया होगा कैश और बैंक को। अगर वो कर चुका है तो ठीक, अगर नहीं तो खेत आपने सवाल पूछा था कि क्या शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, मैं जवाब दे रहा हूं हो सकती है, क्योंकि पेरेंट सब्सिडरी के शेयर्स खरीदने के पीछे जब अपने शेयर्स इशू करता है तो डेबिट करेगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, क्रेडिट करेगा शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम। अगर के वो कर चुका है तो आपने कुछ नहीं करना फिर। अगर वो कहता है कि अकाउंटेंट को समझ ही नहीं लगी, उसको पता ही नहीं चला कि मैंने क्या एंट्री पास करनी, तो उसे छोड़ दी, तो आपने एंट्री पास करनी पड़ेगी ना। आप डेबिट करोगे आप इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, तो जो रिपोर्टेड शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम है उसमें प्लस होगा ये वाला शेयर एक्सचेंज। अगर उसने एडजस्ट नहीं किया हुआ तो, अगर एडजस्टेड है चलते बनो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, दिस इज डेफर्ड अंटिल 1st April 2022। जो 88 सेंट्स वाली कैश पेमेंट है वो मैं अभी नहीं कर रहा, वो मैं आज से एक साल बाद करूंगा, तो इसको कैश नहीं कहेंगे बल्कि डेफर्ड कंसिडरेशन कहेंगे। तो आज किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे। आगे बढ़ते हैं, पिरामिड हैज रिकॉर्डेड द शेयर एक्सचेंज, जान छूटी नहीं, तो यही वाहिद जगह होती है जिसकी वजह से बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होती। बच्चे शेयर कैपिटल और प्रीमियम में शेयर एक्सचेंज वाला पार्ट रिकॉर्ड करना हर बार भूल जाते हैं, ये करके दिया है बचत हो गई। खतरनाक चीज नहीं है, याद रखनी है कि अगर सब्सिडरी को खरीदने के लिए शेयर्स इशू किए गए हैं तो शेयर कैपिटल और प्रीमियम में अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, याद रखना है। अगर आपने बैलेंस शीट वाला उठा लिया तो फर्क आ जाएगा, डबल एंट्री की साइकिल घूमनी चाहिए। आगे, बट नॉट द कैश कंसिडरेशन, पिरामिड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। चलो आप मुझे बताओ एंट्री क्या होगी, स्क्वायर के इश्यूड शेयर्स कितने हैं, स्क्वायर ने शेयर्स इश्यू कितने किए हुए हैं, पता कहां से चलता है कि शेयर्स इश्यूड कितने हैं? इक्विटी शेयर से। आप देखें शेयर कैपिटल कितना है और पार वैल्यू कितनी है, करेक्ट। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, दैट इज शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू, बिकॉज हाउ डू वी कैलकुलेट शेयर कैपिटल इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू। जब शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अगर 1 है तो जिंदगी सुकून में है, अगर 50 सेंट्स होती है ना तो बच्चा परेशान होता है। अगर 10,000 का शेयर कैपिटल है और 50 सेंट्स का एक होता तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते, 20, राइट। यही परेशानी है, डबल हो जाएंगे। खैर, इस केस में इट्स $10,000 डिवाइड बाय 1, उसमें से हमने कितने खरीदे हैं, 80,000। तो भाई जो मैं वादे करूंगा, जो पैसे दूंगा वो 80 मिलियन के ही दूंगा, बाकी जो 20 मिलियन गरीबों के पास है वो गरीबों से डील करो, हमारा क्या। अच्छा, अब बात करते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन की। कितने शेयर्स खरीदे हैं, एक शेयर कितने का, जबकि पैसे कब दूंगा, तो 0.909 से मल्टीप्लाई करें या 1.1 से डिवाइड कर दें, डिस्काउंट फैक्टर लगा रहे ना, राइट। और शेयर एक्सचेंज में पहले से ही रिकॉर्ड कर चुका हूं, बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कितनी है, इन्वेस्टमेंट इन स्क्वायर कितनी दिख रही है, 24 मिलियन दिख रही है ना।
ये मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो मुमकिन तौर पे दे सकता था कि उसके हर दो शेयर्स में मैंने एक शेयर दिया, उसके हर चार शेयर्स में मैंने दो शेयर्स दिए और मेरे शेयर की फेयर वैल्यू इतनी थी। तो हम रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन अप पे, जो कि इसने गिवन, इसने सब कुछ करके दे दिया है। तो हमारी कंसिडरेशन कितनी हो गई, थर्टी पॉइंट फोर मिलियन। आगे पढ़ते हैं, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पिरामिड के इतने, स्क्वायर के इतने, इन्वेस्टमेंट्स स्क्वायर के इतने, इन्वेस्टमेंट स्क्वायर में इतने, और अदर इक्विटी, यानी पिरामिड के पास बहुत पैसा है, उसने स्क्वायर को भी खरीदा है, उसके अलावा भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। अब खुदा जाने कि वो फाइनेंशियल एसेट है, एसोसिएट है या क्या है। इन्वेंट्री पे नोट नंबर टू है, ट्रेड रिसीवेबल्स पे नोट नंबर टू है, बैंक के ऊपर नोट नंबर टू है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। एक क्विक रिकॉल देता हूं, जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो एसेट्स को कैसे कंसोलिडेट किया जाता है, ठीक है, और एडजस्टमेंट्स। जब लायबिलिटीज को कंसोलिडेट किया जाता है तो कैसे किया जाता है, जब इक्विटी को कंसोलिडेट किया जाता है तो कैसे किया जाता है, ये किसा एक बार समझ लो। एसेट्स जो सब्सिडरी ने हमारे आने से पहले बनाए और हमारे आने के बाद बनाए, हम सब जोड़ देते हैं। लायबिलिटीज जो सब्सिडरी ने हमारे आने से पहले ली और हमारे आने के बाद ली, हम सब जोड़ देते हैं। लेकिन इक्विटी जो हमारे आने से पहले बनाई गई थी, उसको हम अपने साथ कैपिटलाइज प्लस नहीं करते, करेक्ट। और हमारी सब्सिडरी बनने के बाद अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी रिवैल्यू होती है, अगर वो कोई प्रॉफिट कमाता है, अगर उसकी इक्विटी में कोई भी चेंज आता है, हम अपने साथ कंसोलिडेट करेंगे। हेंस कभी भी हो सकता है, मीडियर आ सकता है, F7 में मीडियर आ सकता है। अच्छा, अब एक बात मजीद समझ लें कि आपने बचपन में पढ़ा था शेयर कैपिटल, उसके आगे लिखा होता था पेरेंट ओनली, दिस इज नॉट एक्चुअली पेरेंट ओनली। इक्विटी का रूल सेम है कि पेरेंट का खुद का आएगा और सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन का शेयर आएगा, लेकिन हमने बात की हुई है कि सब्सिडरी सब्सिडरी बनने के बाद शेयर इशू तो करेगी नहीं, तो उसका शेयर कैपिटल जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे होगा वो ईयर एंड पे होगा, पोस्ट में कोई होगा ही नहीं, तो जीरो का परसेंटेज लेके भी क्या कर लूंगा। शेयर प्रीमियम के आगे लिखा होता है पेरेंट ओनली, ये पेरेंट ओनली नहीं है, ये पेरेंट का प्लस सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन का शेयर है। जब सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्रीमियम में कोई मूवमेंट ही नहीं है, लेकिन जब जीआरई हम बनाते हैं ग्रुप रिटेन अर्निंग्स, तो पेरेंट के 100% लेते हैं और सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन का शेयर लेते हैं ना, ये इक्विटी का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ऐसा नहीं है शेयर कैपिटल पे अलग बात है और ट्रेनिंग्स पे अलग बात है, रिवेल्यूशन सरप्लस पे अलग बात है, ये कॉमन प्रिंसिपल है। बात सिर्फ इतनी है, अर्थ सिर्फ इतना है कि क्योंकि सब्सिडरी सब्सिडरी बनने के बाद शेयर्स में हरकत नहीं करती, इस वजह से पोस्ट एक्विजिशन का शेयर जीरो आ जाता है। हेलो, अच्छा, अब इसमें इक्विटी में आप देखेंगे कि शेयर कैपिटल पेरेंट का भी गिवन है, सब्सिडरी का भी गिवन है, लेकिन जो 10,000 सब्सिडरी का है, ये एक्विजिशन पे भी यही होगा, ईयर एंड पे भी यही होगा, तो मैं पोस्ट एक्विजिशन का शेयर क्या लूं? शेयर प्रीमियम अक्सर सब्सिडरी का देता ही नहीं है, निल होता है, अगर होगा भी तो एक्विजिशन का भी वही होगा और ईयर एंड का भी वही होगा, पोस्ट में होगा ही नहीं। ये बात समझनी है कि रिटेन अर्निंग्स एट 1 अप्रैल 18,000 थी सब्सिडरी की, और फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 8,000 है, तो सब्सिडरी की ईयर एंड के ऊपर रिटेन अर्निंग्स कितनी होंगी? सब्सिडरी की ईयर एंड के ऊपर
31 मार्च 2022 पे रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी होंगी? 8,000, 26,000। लैंग्वेज को देखो, एज एट 1 अप्रैल 18 थी और 8 क्या है? फॉर द ईयर एंड। अगर एज एट लिखता तो मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करता, लेकिन ये फॉर द ईयर है। 18 पहले लाई थी और 8 मजीद कमाए हैं, तो रिटर्निंग्स कितनी होंगी? 26। तो जब हम वर्किंग टू बनाते हैं ना, उसमें रिटेन अर्निंग्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। और ये देखो, मिड ईयर है या फुल ईयर है? फुल ईयर है ना, 1 अप्रैल पे ही खरीदा है। तो एक्विजिशन पे रखेंगे 18, ईयर एंड पे रखेंगे 26, पोस्ट में आ जाएंगी 8। नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पिरामिड कंडक्टेड अ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज ऑन स्क्वायर्स नेट एसेट्स विच वर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट्स विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। ये तो लाजम था IFRS 3 के हिसाब से कि तमाम एसेट्स को रिवैल्यू करना था। कहता है कि बाकी जितने भी नेट एसेट्स थे उनकी कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर थी, मासवाय एन आइटम ऑफ प्लांट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ $3 million अबव इट्स कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। इट हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 years, इग्नोर डेफर्ड टैक्स रिलेटिंग टू दिस फेयर वैल्यू। ओके, तो उस दिन पे एक प्लांट की फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू के मुकाबले में कितनी ज्यादा थी? 3 million। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे कितना रखेंगे? 3 million। ईयर एंड पे कितना रखेंगे? 3 million। पोस्ट में कितना आएगा? 0। लेकिन क्योंकि ये प्लांट है, कोई लैंड नहीं है, तो उसकी लाइफ कितनी थी बाकी? 5 साल। तो 3 million को डिवाइड करेंगे 5 साल से, हर साल डेप्रिशिएट होना शुरू होगा 0.6 से, और कितने साल गुजरे हैं सब्सिडी को खरीदे हुए? एक ही साल। तो ईयर एंड पे हम उसको 0.6 से डेप्रिशिएट करेंगे, जो कि पोस्ट में भी आ जाएगा। क्योंकि उसने रिवैल्यू नहीं किया था तो एक्सेस डेप्रिशिएट भी नहीं किया होगा, हम रिवैल्यू भी करेंगे और एक्सेस डेप्रिशिएट भी करेंगे। उसके अलावा स्क्वायर हैड एन अनरिकॉर्डेड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ $1 million विच वॉज अनचेंज्ड एज एट 31 मार्च 2022। नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अगर कोई एसेट बढ़ेगा तो नेट एसेट्स बढ़ेंगे, अगर कोई एसेट डाउनवर्ड रिवैल्यू होगा गिरेगा तो नेट एसेट्स कम होंगे, अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी तो नेट एसेट्स कम होंगे, और अगर कोई लाइबिलिटी कम होगी तो नेट एसेट्स बढ़ जाएंगे। कहता है कि उसके पास एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है जो कि रिकॉर्डेड नहीं है। अब के बाद जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो नेट एसेट्स राइट, एक्विजिशन पे भी 1 million है और ईयर एंड पे भी अनचेंज्ड है 1 million, तो पोस्ट में कितनी आएगी? पिरामिड्स पॉलिसी इज टू वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। फॉर दिस पर्पस अ शेयर प्राइस ऑफ स्क्वायर ऑफ 3.5 ईच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय NCI। स्क्वायर ने कितने शेयर इशू किए हुए हैं? 10,000। उसमें से हमने कितने खरीदे? बाकी NCI के पास कितने होंगे? 2,000। और हर एक की वैल्यू कितनी है? 3.5। तो NCI की फेयर वैल्यू कितनी होगी? 5,000। राइट भाई, इसको आपने कहां क्रेडिट किया ये तो बात क्लियर है, 7,000 को कहां डेबिट और क्रेडिट करोगे? डेबिट तो उसको करेंगे गुडविल के अंदर और क्रेडिट करेंगे NCI, और NCI की फितरत इक्विटी है, तो एसेट डेबिट करेंगे गुडविल और इक्विटी क्रेडिट करेंगे NCI के नाम से। आगे ये बड़ा काम का है, नोट नंबर 2। पिरामिड सेल्स गुड्स टू स्क्वायर एट अ कॉस्ट प्लस 50%। कौन बेचता है किसको? पेरेंट बेचता है सब्सिडरी को, कितने पे? कॉस्ट प्लस एंड 50% मार्कअप है, मार्जिन है, कॉस्ट है यानी मार्कअप है। बिलो इज द समरी ऑफ रिकॉर्डेड एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड द बैलेंसेस। सेल्स टू स्क्वायर, पिरामिड कह रहा है कि मैंने स्क्वायर को कितने मिलियन के गुड्स बेचे हैं? 16 million के। परचेजेस फ्रॉम पिरामिड, स्क्वायर कह रहा है कि मैंने पिरामिड से गुड्स कितने खरीदे हैं? ये क्या? गुड्स इन ट्रांसिट, 1500 के गुड्स, 1500 का डिफरेंस है ना।
पिरामिड ने बेचा होगा और सब्सिडी को भी मिला नहीं होगा और उसमें मार्कअप भी शामिल होगा 1500 में, तो डबल एंट्री याद करना है, इन्वेंट्री को डेबिट करना है, यूआरपी को डेबिट करना है और पेएबल को क्रेडिट करना है, फॉरवर्ड करना है ट्रांजैक्शन को। अच्छा, पिरामिड कहता है कि मुझे स्क्वायर से 4400 मिलने हैं, जबकि स्क्वायर कह रहा है कि मैंने पिरामिड को 1700 रुपए देने हैं, इनमें डिफरेंस कितना है? सताइस सौ, उसमें से 1500 का डिफरेंस तो मुझे पता है गुड्स इन ट्रांसिट की वजह से, क्योंकि पिरामिड ने जब बेचा होगा तो रिसीवेबल को डेबिट कर दिया होगा, सेल को क्रेडिट कर दिया होगा, वो तो मैं उसको पेएबल में ऐड करवा दूंगा, तो उसका पेएबल जो 1700 का है उसमें 1500 ऐड हो जाएंगे गुड्स इन ट्रांसिट को फॉरवर्ड करने से, 3200 बन गए, फिर भी डिफरेंस है 1200 का, उसकी वजह क्या हो सकती है? कैश इन ट्रांसिट। अब सवाल को आगे पढ़ लेते हैं। ऑन 26 मार्च 2022 पिरामिड सोल्ड एंड डिस्पैच्ड गुड्स टू स्क्वायर व्हिच स्क्वायर डिड नॉट रिकॉर्ड अंटिल दे वर रिसीव्ड ऑन 2nd अप्रैल 2022 स्क्वायर्स इन्वेंटरी वाज काउंटेड ऑन 31 मार्च एंड डज नॉट इंक्लूड एनी गुड्स परचेज फ्रॉम पिरामिड, बाकी सारे बेच दिए, बाकी जो मिले ही नहीं वो तो ना उसके पास काउंट होंगे ना मेरे पास काउंट होंगे। फिर कहता है ऑन 27 मार्च 2022 स्क्वायर रेमिटेड टू पिरामिड अ कैश पेमेंट व्हिच वाज नॉट रिसीव्ड बाय पिरामिड अंटिल 4 अप्रैल 2022 दिस पेमेंट अकाउंटेड फॉर द रिमेनिंग डिफरेंस ऑन करंट अकाउंट्स, बाकी डिफरेंस कितना था? 1200। द अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पिरामिड आर कैरिड एट फेयर वैल्यूज ऑन 1st अप्रैल 2021 At 31 March 2022, these had increased to 2.8 million. आप देखें, उसके पास जो बैलेंस शीट में, so उसके जो अदर इक्विटी है उसकी फेयर वैल्यू 2 मिलियन थी एक साल पहले और अभी कितनी है? 2800। ये IFRS 9 में आता है, FVTPL के अंदर हम इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे विद द चेंजेस बी टेकन टू प्रॉफिट लॉस। खैर, हम नोट नंबर 2 पे फोकस करते हैं अभी। पहला गुड्स इन ट्रांजिट की बात कर लेते हैं, क्या एंट्री पास करोगे गुड्स इन ट्रांजिट की? हाँ जी, वापस बोलो सजाद। डेबिट इन्वेंटरी बाय, वो नहीं पता। हाँ जी, इनवॉइस कितना है, बेची कितने में? 1500 ना। हाउ मच इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड परचेजेस? 1500 ना, तो 1500 की तो इनवॉइस है, उसमें मार्कअप कितना होगा? 50%। 1500 तो सेलिंग प्राइस है, नहीं 50% मार्कअप है, कॉस्ट कितनी होगी? हाँ, ये मार्जिन नहीं है क्या? 1500 पैसे ठग करके मल्टीप्लाई कर दो, सेलिंग प्राइस दी है और साथ में मार्कअप दिया है, तो 50 / 150, तो इन्वेंटरी की वैल्यू है 1000 और इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? 500। सही, वो किसने कमाया है? पिरामिड ने। तो मैं इसको सीधा कहां से माइनस कर रहा हूं? ग्रुप रिटेनिंग से। मुनासिब किया, अगर सब्सिडरी कमाता तो एनसीए और आरई में टूटता, और क्रेडिट क्या करेंगे? फॉरवर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को, तो सब्सिडी को जब मिलेगा तो वो 1500 से पेएबल को क्रेडिट कर देगा। अब आप देखो उसका पेएबल वैसे है कितना, पेएबल कितना है जो सब्सिडी बता रहा है? नहीं, पेएबल 1700 में 1500 प्लस कर दो, लेकिन अभी भी 1200 का फर्क है। तो दूसरा मसला क्या है कैश इन ट्रांजिट का? जो रिमेनिंग डिफरेंस है 1200 का, वो सब्सिडरी भेज तो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, हम ट्रांजैक्शन को गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, हम तो फॉरवर्ड ही करेंगे। डिफरेंस वापस देखो, पेएबल कितना है?
जो रिपोर्टेड है 1700, और रिसीवेबल कितना है 4400। अलाइनमेंट नहीं है, सेम नहीं है, रिकंसाइल नहीं हो रहा। तो पहला पता चला कि इंट्रा ग्रुप सेल है या गुड्स इन ट्रांजिट है। जब वो गुड्स सब्सिडरी को मिल जाएंगे तो वो 1500 का पेएबल क्रेडिट कर देगा। अब ये हो गया 3200, बाकी फर्क कितना रह गया पता चला 1200 कहां से आया? बैलेंस किसकी वजह से है? और हम फॉरवर्ड करेंगे, पेरेंट को बोलेंगे यार तुम मान लो कि तुम्हें मिल गए पैसे, मसले को खत्म करना है ना। तो पेरेंट ने कहा चलो ठीक है मिल गए, पेरेंट क्या करेगा डेबिट करेगा, कितने मिले इसको, और रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा कितने से। अब हो गया बैलेंस। बैलेंस का मकसद क्या है? पेएबल कितने पे आ गया 3200, सॉरी 3200 ना, और 4400 में से जब मैंने 1200 माइनस कर दिए, अब खत्म करना है। डेबिट कर देंगे पेएबल जो कि कितने पे पहुंचा है 3200 पे, और क्रेडिट कर देंगे रिसीवेबल जो कि कितने पे पहुंचा है 3200। गेम खेलेगा इन ट्रांजिट का, गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट का। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के हवाले से उसने पूरी चीजें वाजे रखी हैं, जो गिवन है ऑलरेडी, इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम रिटेनिंग से द डेट ऑफ एक्विजिशन एट ईयर एंड वो सेम रखनी है। प्लांट की रिवैल्यूएशन, उसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन, डेफर्ड लायबिलिटी वो आपने माइनस करनी है। यू आर सपोज टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, कंसिडरेशन आप निकाल चुके हो, बाकी इसमें से आपने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स माइनस करके गुडविल निकालनी है, राइट? आई वुड सजेस्ट यू या रिक्वेस्ट यू टू ट्राई दिस एटलीस्ट, आप अपने एंड से करके देखो। पहला पहला सवाल मैंने अभी आपको कंसल्टेशन कोई भी सवाल मुकम्मल नहीं करवाया ना, हमने सिर्फ बातें की हैं अभी तक, इसको ट्राई करो। बट आई बिलीव कि अगर आपसे हो गया तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आपको पता चलेगा कि चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। अगर हो जाता है तो वेरी गुड, उससे क्या होगा फिर मुझे इस पर टाइम कम देना पड़ेगा, मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस बोल दूंगा कि ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो। एंड बेयर इन माइंड जितने क्वेश्चंस आप ज़्यादा करोगे उतना बेहतर है, ना कि जितने मैं सवाल करवाऊँगा, राइट? हो गया, सी यू नेक्स्ट क्लास दैन।